नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ रोशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची के रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। नेता प्रतिपक्ष हैं हेमंत सोरेन। कल महागठबंधन को लेकर सीटों का ऐलान भी हो गया था, बंटवारा हो गया था, राजद को 7 सीटें दी गई थी। अब आज की जो मुलाकात है हेमंत सोरेन से, जो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि कल भी हेमंत सोरेन ने ये बात कही थी कि जो भी नाराज़गी है हमारे सहयोगी दलों में उसको दूर कर लिया जाएगा। बता दें कि स्पेशल परमिशन पर मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि 3 लोगों को हर शनिवार को रिम्स प्रबंधन 3 लोगों को परमिशन देता है मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव से। लेकिन 3 लोगों के बाद आज 4थे व्यक्ति के तौर पर मुलाकात करने पहुँचे हेमंत सोरेन, जो स्पेशल परमिशन से पहुँचे हैं मिलने। आपको बता दें कि इससे पहले समस्तीपुर विधायक शाहीन अख्तर ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने लालू यादव के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि लालू यादव की इलाज जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं की जा रही है। वहीं उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया था कि लालू प्रसाद यादव से किसी भी तरह की राजनैतिक चर्चा हुई है। साथ ही अयोध्या मुद्दे पर बात करते हुए समस्तीपुर विधायक शाहीन अख्तर ने कहा था कि यह ऐतिहासिक फैसला है और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। दूसरे मुलाकाती के तौर पर लालू प्रसाद यादव से बिहार के भोजपुरी गायिका पुष्पा राणा ने मुलाकात की थी। उन्होंने भी पत्रकारों से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी कष्ट में हैं, उनके सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जितना हो सके रिम्स की व्यवस्था बेहतर करें और लालू प्रसाद का इलाज बेहतर तरीके से किया जाए। तीसरे मुलाकाती के तौर पर लालू प्रसाद से बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष कुमार ईश्वर उर्फ कंगन पहुँचे थे मुलाकात करने। उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव से बातचीत करेंगे। राजद की जो नाराज़गी है 7 सीटों को लेकर, उस पर भी बात होगी। क्या कुछ निकल कर आता है हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद, लालू प्रसाद यादव से जब बातचीत करके बाहर निकलेंगे हेमंत सोरेन, क्या कुछ निकल कर आता है हम आपको बताएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर छोटी बड़ी खबर को पढ़ने के लिए livecity.in पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।